सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 12 के बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी अर्जेंट अपडेट निकल के सामने आ रही है। कॉपी चेकिंग को लेकर दोस्तों पहाड़ सा टूट गया है बच्चों के सामने। अचानक से दोस्तों यहां पे चौंका देने वाला एक सबसे बड़ी बैड न्यूज दे दी गई है। क्लास 10 एंड 12 के एवरी बच्चे दोस्तों यहां पे एक एक चीजों को समझिएगा। कॉपी चेकिंग को लेकर दोस्तों अभी तक का यानी कि साल का सबसे बड़ा हम इसे बैड न्यूज कहेंगे तो दोस्तों ये सही रहेगा कहना, क्योंकि दोस्तों आप लोग अगला पेपर मैथ का देने जा रहे हैं और मैथ के पेपर को देने से पहले दोस्तों अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हैं तो आप अपना मैथ में भी दोस्तों नंबर गवा बैठेंगे। और आप में से शायद दोस्तों काफी सारे बच्चे दोस्तों जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं वो दोस्तों बच्चे फेल भी हो जाएंगे, क्योंकि काफी दोस्तों चौंका देने वाली अपडेट निकल के सामने आ रही है। आप लोग मेरे साथ साथ दोस्तों स्क्रीन पे देखिए, सीबीएसई बोर्ड की दोस्तों लगातार कॉपी चेकिंग चल रही है। जैसे कि आप सभी बच्चों को मालूम है सीबीएसई बोर्ड दोस्तों 10 की भी कॉपी चेकिंग बैक टू बैक कर रही है, 12 की भी दोस्तों कॉपी चेकिंग जो है आपकी लगातार चल रही है। इन कॉपी चेकिंग को लेकर दोस्तों एग्जामिनर ने दोस्तों यहां पे एक चौंकाने वाला जो है एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार जो कॉपी चेकिंग हो रही है उसमें बच्चे पास तो हो रहे हैं लेकिन बच्चों के नंबर अच्छे नहीं आ पा रहे हैं। यानी कि दोस्तों अभी तक क्या होता था कि जो भी बच्चे दोस्तों यानी 100% बच्चे जो है अगर बोर्ड एग्जाम देते थे तो उनमें 50% बच्चे ऐसे होते थे जिनके नंबर बहुत ही अच्छे आते थे। यानी कि 50% बच्चे तो उनमें से यानी 100 में से 50% बच्चे तो ऐसे निकलते ही थे जिनके नंबर बहुत ही ज्यादा हाई आते थे, यानी इन्हें टॉपर कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस बार जो है ये संख्या घट गई है और बच्चे दोस्तों इस बार काफी सारे ऐसे बच्चे दोस्तों यहां पे निकल के सामने आए दोस्तों जो अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पा रहे हैं बोर्ड में। आप लोग देखिए इस बार की जो कॉपी चेकिंग हो रही है उसमें दोस्तों एक स्कूल की रिपोर्ट की माने तो वहां पे दोस्तों जो कॉपी चेकिंग चल रही थी उस स्कूल ने दोस्तों यहां पे जानकारी दी कि हमने जितनी भी कॉपी चेकिंग की हर बार जो है हम कॉपी चेकिंग करते थे तो 50% बच्चे जो है यहां पे उत्तम श्रेणी में आते थे यानी टॉप कैटेगरी में आते थे। 100 कॉपी हमने चेक की तो उनमें से 50 बच्चे तो ऐसे निकलते ही थे जिनके नंबर बहुत ही अच्छे आते थे, लेकिन ये दो है जो संख्या 50 बच्चों वाली जो हर साल चली आ रही थी इस बार जो है ये घटकर 20 से 30% पे सिमट गई है। यानी कि हर साल हम कॉपी चेक करते थे उनमें से 100 बच्चों की हमने कॉपी चेक की तो उनमें से 50 बच्चे जो है हमें टॉपर उसमें मिल जाते थे, लेकिन इस बार वो केवल जो है 50 नहीं बल्कि हमें 20 से 30 बच्चे भी बड़े मुश्किल से मिल पा रहे हैं। यानी कि बच्चे पास तो हो जा रहे हैं लेकिन बच्चे अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं। और ये चीज आप लोग भी जानते हैं, पास होना दोस्तों बड़ी बात नहीं है लेकिन नंबर लाना बड़ी बात होती है। तो पास होने के लिए दोस्तों आप लोग को मैं कहूंगा पास होने के लिए कोई भी बच्चे मत पढ़िए, अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़िए। दोस्तों यहां पर एक सबसे बड़ी और भी कई सारी बातें कही गई है, बच्चे नंबर क्यों कम ला रहे हैं उसका बड़ा रिपोर्ट दोस्तों यहां पर ये निकल के सामने आ रहा है। 2023 की जितनी भी कॉपी आपकी चेकिंग हो रही है उसमें दोस्तों एक कॉमन चीजें निकल के सामने आ रही है कि जो लॉन्ग आंसर है जिसमें 100 से 150 वर्ड में आपको आंसर लिखना होता है उसमें दोस्तों बच्चे जो है 50 से 60 वर्ड में ही आंसर लिख के छोड़ दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो 100 से 150 वर्ड में लिखना है उतना हमें लिखने की क्या जरूरत है, 50 से 100 वर्ड में ही आंसर को देते हैं, बस इतना काफी है लिखना और ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे वर्ड लिमिट का दोस्तों यहाँ पे बच्चे जो है ध्यान नहीं रख रहे, यानी कि जितना जिसमें ज्यादा लिखना है उसमें तो वो लिख ही नहीं रहे लेकिन जिसमें कम लिखना है उसमें वर्ड लिमिट क्रॉस कर दे रहे। तो दोस्तों यहाँ पे गलती हो रही है, बच्चे दोस्तों पूरा आंसर को नहीं लिख पा रहे हैं यानी कि वर्ड लिमिट का दोस्तों बच्चे ध्यान नहीं रख रहे जिस कारण दोस्तों बच्चों के नंबर कम आ रहे हैं। और एक और चीज दोस्तों यहाँ पर देखा जा रहा है इस बार जो कॉपी चेकिंग हो रही है दोस्तों उसमें जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं उनके नंबर कम आ रहे हैं लेकिन जो गांव की साइड रहने वाले यानी कि जो शहर से दूर में जो रहने वाले बच्चे हैं उनके नंबर ज्यादा आ रहे हैं। आप लोग देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्र के जो स्टूडेंट्स हैं वो आगे जा रहे हैं बल्कि शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट्स जो है वो पीछे जा रहे हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र के स्टूडेंट जो है शहरी क्षेत्र के स्टूडेंट से आगे जा रहे हैं। तो ये यहाँ पे दोस्तों एक चौंकाने वाला रिपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। और एक और दोस्तों चौंकाने वाला यहाँ पे कॉपी चेकिंग में दोस्तों ये भी अपडेट निकल के सामने आ रहा है कि 60 से 65% बच्चे ऐसे निकल के सामने आ रहे हैं जो स्टार्टिंग के एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं 1 से लेकर 20 क्वेश्चंस तक वाले उसको तो हर एक कोई अटेंड कर रहा है, उसको हर एक कोई बच्चा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब बारी आ रही है असली वहां पे आंसर लिखने की सब्जेक्टिव आंसर लिखने की तो 60 से 65% बच्चे ऐसे हैं दोस्तों या तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जवाब नहीं दे रहे हैं या फिर जो है उसे 50 से 60 वर्ड में जो है लिख के सिमटा दे रहे हैं या फिर आंसर ही नहीं दे रहे। यानी कि यहां पे दोस्तों जहां पे आंसर लिखना है जहां पे दोस्तों उनको नंबर मिलेगा यानी कि पूरा पेपर जो है बच्चे करना ही नहीं चाह रहे। काफी सारे बच्चे यहां पे 60 से 65% बच्चे आप लोग समझ सकते हैं, 60 से 65% बहुत ही बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। 60 से 65% दोस्तों ऐसे एग्जामिनर को बच्चे यहां पे मिल रहे हैं जो बड़े क्वेश्चंस का आंसर तो दे ही नहीं रहे, जिसमें केस बेस का क्वेश्चन दोस्तों यहां पे काफी ज्यादा पॉपुलर निकल के सामने आ रहा है, केस बेस को बच्चे टच ही नहीं कर रहे। काफी सारे बच्चे ऐसे दोस्तों केस बेस के जो क्वेश्चंस है केस स्टडी वाले जो क्वेश्चंस है उसे बच्चे टच ही नहीं कर रहे, उसे जवाब ही नहीं दे रहे, दे भी रहे तो 50 से 60 वर्ड में उसको सिमटा दे रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें इस बार बहुत ही बड़ा सीरियस मैटर बनता जा रहा है कॉपी चेकिंग में दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा जो है दोस्तों यहां पे चौंकाने वाला जो है खुलासा किया गया है आपकी कॉपी चेकिंग को लेकर। ये एक सही टाइम पे किया गया है दोस्तों क्योंकि आप लोग का भी मैथ का पेपर होने वाला है तो मैथ के पेपर से पहले एवरी बच्चे दोस्तों यहां पे बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझिएगा। दोस्तों आप लोग ऐसा मत करिए क्योंकि दोस्तों यहां पे जो बच्चे कर रहे हैं अभी तक जो भी बच्चे
ऐसा कर चुके हैं, आगे मत करिए। आप लोग के दोस्तों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप लोग ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि मुझे बस 33 नंबर लाके पास होना है, तो ये गलत आपका टारगेट होने वाला है। 33% के पीछे मत भागिए दोस्तों। आप लोग हमेशा अपने अचीव के लिए, अपने गोल के लिए भागिए। आपका टारगेट 95 है तो 95 के लिए भागिए, 100 का टारगेट है तो 100 के लिए भागिए। 33% लाना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 33% नंबर लाना चाहते हैं तो फिर दोस्तों कोई फायदा नहीं है आपको बोर्ड एग्जाम देने का। इससे बढ़िया जो है आप ओपन से जो है नाम लिखवा लेते हैं और वहां से जो है आप घर बैठे 33% ला के पास हो जाते। अगर बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग को दोस्तों मेहनत करना चाहिए। एक और चीज है दोस्तों, यहां पर यह भी निकल के सामने आ रही है, आप लोग यहां पर पढ़िएगा, एवरेज कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा कॉपी चेकिंग में, यानी कि अभी जो कॉपी चेकिंग हो रही है इनिशियल स्टेज पे अभी दोस्तों कॉपी चेकिंग हुई है, क्योंकि अभी सीबीएसई बोर्ड को जो है कॉपी चेक करने में टोटल टाइम लगेगा। अभी स्टार्टिंग में दोस्तों कॉपी चेकिंग शुरू हुई है, लेकिन स्टार्टिंग में ही दोस्तों ऐसे चौंकाने वाले यहां पर खुलासे हो जाएंगे, तो आप लोग सोच सकते हैं कि बाकी की कॉपी में क्या होगा। यहां पर जो एवरेज कैटेगरी में आते हैं, यानी आप में से काफी सारे बच्चे क्लास में एवरेज होंगे, एवरेज वाले बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा रहा कॉपी चेकिंग में, तो आप लोग देख सकते हैं। यहां पे दोस्तों स्कूल के जो एग्जामिनर हैं उनका साफ साफ कहना है कि जो एवरेज कैटेगरी के बच्चे हैं उनमें से 30-35% बच्चे जो हैं ऐसे हैं जो सवालों को सोल्व ही नहीं कर रहे, यानी कि उनको जो क्वेश्चन मिला है उसको कर ही नहीं रहे, उसको छोड़ दे रहे, अटेंड ही नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी गलती है, मैं आपको बार बार कहता हूं, अटेंड ना करने वाली सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अटेंड नहीं करेंगे तो आपके नंबर तो कटेंगे ही, साथ ही साथ आपको ना ही ग्रेस मार्क्स का फायदा मिलेगा ना ही आपको मॉडरेशन का फायदा मिलेगा। तो आप सब चीज से हाथ धो बैठेंगे, ऐसा गलती मत करिएगा मैथ के पेपर में। यहां पे जो चीजें निकल के सामने आ रही है ये रियलिटी है, आप लोग की कॉपी चेकिंग में निकल के सामने आ रही है। आप नहीं करते होंगे, लेकिन आप में से शायद काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे जो पेपर में उनको आंसर नहीं आने पे वो आंसर को छोड़ के आ जा रहे होंगे, या केस स्टडी के क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे होंगे, या फिर ज्यादा उनके लिखने की प्रैक्टिस नहीं है तो वो क्या कर रहे हैं कि कुछ ही जो है, यानी कि आंसर जो है 100 से 150 वर्ड में लिखना है, वो 50 वर्ड में लिख के छोड़ दे रहे हैं कि चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो ये गलती है जो यहां पे निकल के सामने आ रही है। बच्चों दोस्तों यहां पे पास हो रहे हैं लेकिन नंबर नहीं ला पा रहे कोई बच्चे, आप लोग खुद सोच सकते हैं 100 में से 50% बच्चे ऐसे होते थे हर साल जिनका जो है टॉपर कैटेगरी में उनके नाम गिने जाते थे, लेकिन ये 50% बच्चे इस बार 50% नहीं रहेंगे, बल्कि केवल 20-30% ही बच्चे जो है टॉपर कैटेगरी में जा पा रहे। 70% बच्चे दोस्तों ऐसे हैं जो केवल पासिंग पे जाकर जो है अटक जा रहे, केवल पासिंग मार्क्स ला पा रहे हैं, नंबर अच्छा नहीं ला पा रहे। तो पासिंग मार्क्स का कोई मतलब नहीं बनता, मैं आपको बार बार कह रहा हूं। तो यहां पर काफी सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। छोटे आंसर देखिए दोस्तों, यहां पर काफी सारी चीज निकल के सामने आ रही है। 40-60 वर्ड में जो है दोस्तों आंसर लिख के छोड़ दे रहे हैं एवरेज वाले बच्चे, यानी कि जितना लिखना चाहिए उतना भी आंसर वो नहीं लिख रहे हैं। और यहां पे अगेन दोस्तों बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे, यानी कि जो गांव के साइड में रहने वाले बच्चे हैं, वो दोस्तों इस बार बाजी मारते हुए दिख रहे हैं आपके यहां पे आंसर शीट में, और जो शहर में रहने वाले बच्चे हैं वो दोस्तों इस बार जो है पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों यहां पे बड़ा जो है, यहां पे बड़ा जो है शॉकिंग चीजें निकल के सामने आ रही है। एक और चीज दोस्तों मैं आखिरी में आपको फिर से दिखाता हूं, ओवरव्यू देख लीजिए कुछ इस तरीके से दोस्तों कॉपी चेकिंग में यहां पे खुलासे किए गए हैं। और ये दोस्तों एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय है दोस्तों, क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए भी, साथ ही साथ 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी। खासकर दोस्तों ये 12 के लिए ज्यादा चिंता का विषय होगा, क्योंकि उनको दोस्तों एडमिशन उनको तभी मिल पाएगा कॉलेज में जब उनके अच्छे परसेंट होंगे। अब जब ऐसी परफॉर्मेंस आप लोग की आएगी कि केवल आप पास होंगे तो दोस्तों यहां पर आपको एडमिशन मिलना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। 10 के बच्चों के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अगर आप लोग के अच्छे परसेंट नहीं आएंगे तो साइंस और कॉमर्स जैसे स्ट्रीम तो आप भूल ही जाइए, केवल आर्ट्स ही आपको मिलने वाला है। तो अच्छे नंबर लाना है तो दोस्तों तो नंबर लाना पड़ेगा, पास के भरोसे मत बैठिए कि केवल पास हो जाएंगे पास हो जाएंगे। पास होने से कुछ नहीं होगा आपको, पास तो हर कोई हो जाता है, लेकिन नंबर अच्छे आएंगे तभी आपको एडमिशन मिल पाएगा। साइंस कॉमर्स आपको चाहिए तो नंबर चाहिए होगा, ये चीजें ध्यान रखिएगा। ओवरव्यू देख लीजिए आखिर में फिर से दोस्तों, कॉपी चेकिंग में कुछ इस तरीके से इनिशियल स्टेज पे चीजें निकल के सामने आ रही है। आप लोग एक एक करके सारी चीजें पढ़ सकते हैं। आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा आपको क्या लगता है आपकी कॉपी को लेकर, आपने जो आंसर दिया है आपको क्या लगता है कि आपने कितना नंबर का पेपर किया है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरे चैनल पे कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना पेपर जो है 50 प्लस का लिख के आए हैं, 60 प्लस का लिख के आए हैं, 70 प्लस का लिख के आए हैं, या फिर कितने सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अपना पेपर जो है 50 से कम का लिख के आए हैं, 40 नंबर का ही लिख के आए हैं, केवल 30 नंबर का ही लिख के आए हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि दोस्तों ये चीजें यहां पर एक सीरियस चीजें जो है निकल के सामने आई है, बहुत ही दोस्तों सही टाइम पे यहां पे दिया गया है, क्योंकि क्लास 10 के बच्चों का मैथ किससे पहले दोस्तों ये बड़ा इंफॉर्मेशन आना आप लोग के लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट था। आप लोग दोस्तों अगर ये आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। हमारे चैनल पे दोस्तों अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आज दोस्तों रात को जो है मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर का मैथ का जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आपको दे दूंगा, तो उसको लेकर निश्चिंत रहिए दोस्तों, क्योंकि बोर्ड को लेकर सारी चीजें जो भी इंपॉर्टेंट जो है आप लोग के क्वेश्चन हैं, टॉपिक्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सारी चीजें दोस्तों आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो जरूरी है नोटिफिकेशन बेल को याद से प्रेस रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।